पौड़ी में गर्मी का दौर शुरू होने से पहले ही शहर में पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। यहाँ अनियमित पेयजल आपूर्ति स्थानीय जनता की तकलीफ बढ़ा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में अब जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। दरअसल शहर में नानघाट और श्रीनगर पेयजल पाइपिंग योजना के से जो है पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन दोनों पेयजल पाइपिंग योजना जल संस्थान और विद्युत विभाग दोनों ही विभागों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है। जहां जल संस्थान लीकेज की समस्या को दूर नहीं कर पाया, तो वहीं विद्युत विभाग द्वारा बार बार शट डाउन किए जाने से नियमित तौर पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जल संस्थान का घेराव करने पहुंचे स्थानीय जनता ने बताया कि सर्द मौसम में पेयजल आपूर्ति के ये हाल है, तो आने वाले गर्मियों में जनता का क्या हाल होगा। वहीं जल संस्थान के सहायक अभियंता ने दावा किया है कि लीकेज की समस्या को जल्द दूर करवा लिया जाएगा, जबकि गर्मी से निपटने के लिए पानी के टैंकर भर जो है भेजकर पेयजल आपूर्ति करवाई जाएगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जब हम यहाँ पे तो कहते साहब टेक्निकल फॉल्ट है, बिजली नहीं है, इसलिए हम जो है पानी की सप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने उनको ये कहा, हम दो साल से यही लगे हैं कि भाई आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के घर में अगर लाइट जाती है तो हम मोमबत्ती की व्यवस्था रखते हैं। तो हम दो साल से लगे हैं, तो दो साल से जल संस्थान ने उसमें कोई स्टेप नहीं उठाया। और अभी इसे जब पानी की कमी है तो गर्मियों में क्या हाल होंगे पानी के, ये आप सोच सकते हैं। बारिश में हमारी नगर से वाटर सप्लाई पौड़ी के लिए होती है। ये बहुत काफ़ी पुरानी लाइन है, बार बार भरती रहती है और जिससे हमारी वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होती है। बीच बीच में क्या होता है, हैंडल से ये इनका शटडाउन रहता है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, उस वजह से हमारी डिस्टर्ब होता रहता है पानी।